नमस्कार, साई राम। हमारा विषय है हिंदी और कक्षा है 7वीं। हमारी जो यूनिट टेस्ट आने वाली है और इस यूनिट टेस्ट में आने वाले पोर्शन पर हम रिवीजन करेंगे। आपने पाठ का वाचन किया है ना, और हमने जो नोट्स दिए है उसको ज़रूर पढ़ा होगा। आज हम इसकी रिवीजन करेंगे, एक बार देखेंगे कि इस पाठ में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, प्रश्न कौन से हैं, उनके जवाब क्या है, किस तरह से लिखना है, ताकि आपके आने वाले इस परीक्षा में आप अच्छे से उनका जवाब लिख सको। अब हमारा जो पाठ है, पाठ क्रमांक 3, दादी माँ का परिवार। इनके शब्दार्थ मैंने दिए थे आपको, निपट, केवल, आबाद, भरापुरा, बुहारना, स्वच्छ करना, सवारना, सजाना, दुलारना, प्यार करना, क्लांत, थका हुआ, टंटा, लड़ाई, कलरव, पंछियों की मधुर ध्वनि, खुशहाली, सुख, मातम, शौक, आनंद फानंद, शीघ्रता से, खलिहानी, फटी फसल रखने का स्थान, बहलिया, पक्षियों का शिकारी, हमजोली, साथी, यत्न, कोशिश, युक्ति, उपाय, झिझक, संकोच, धरना, रखना, बतियाना, बातें करना, संगिया, सहेली, दिन दुनिया, संसार। तो दादी माँ का परिवार, इस पाठ में हमने देखा कि किस तरह से दादी माँ का परिवार में कौन कौन है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, सबसे पहला प्रश्न आपको दिया गया था। इसमें पाठ में आए हुए यही पाँच ही नहीं बल्कि कोई भी आपको रिक्त स्थान पूछ सकते, इसीलिए आपको पाठ का वाचन करना ज़रूरी है। अच्छे से पाठ का वाचन करो, अगर पाठ अच्छे से वाचन कर लिया आपने पाठ का, तो ही आप सभी सवालों के जवाब आसानी से लिख सकते हो। यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए के लिए पूछे कुछ सवाल ऐसे हैं। घर के आंगन में डैश का पेड़ था, तो घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। आपकी ये जो एग्ज़ाम होने वाली है वो ऑनलाइन होने वाली, इसीलिए आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिए जाएंगे, दो या तीन। जैसे घर के आंगन में बरगद का पेड़ था, आपका उत्तर है बरगद। तो बरगद के साथ और अन्य दो पेड़ों के नाम दिए जाएंगे और आपको उसमें से सही जवाब चुनकर लिखना है। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। दूसरा है, चिड़ियों में मातम सा छा गया, मुनमुन थी उनकी हमजोली, गजब एकता उन सब में, चिंकी से तनिक याचना करो। ये तो सिर्फ पांच आपको उदाहरण के तौर पर दिए, लेकिन कोई भी वाक्य आपको पूछे जा सकते हैं रिक्त स्थानों के लिए। दूसरा सवाल जो है यहाँ पर, निम्नलिखित वाक्य सही है या गलत लिखिए। आपको बताना है ये दिए गए वाक्य सही है या गलत, और आपको वो सही है तो सही शब्द लिखना है, गलत है तो गलत शब्द लिखना है। तो सबसे पहले मैं जो वाक्य है वो पढ़ती हूँ। आपने अगर पाठ का वाचन अच्छे से किया है तो आपको इन सवालों के जवाब आ जाएंगे। नीलू पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती थी, बताइए मुझे सही है या गलत। उत्तर तो मैंने यहाँ लिखे नहीं है, फिर ठीक है, गलत जवाब। नीलू पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती थी, गलत। दूसरा है, खेल खेल में वह लड़ भी पड़ती, सही। गजब एकता थी उन सब में, सही। नीलू के बच्चों के नाम थे चुस्कु मुस्कु, गलत। चिंकी की आंखों में आंसू थे, सही। इस तरह से पाठ में दिया गया कोई भी वाक्य आपको सही और गलत के लिए पूछा जाएगा। आपने अगर पाठ अच्छे से पढ़ लिया तो आपको यह सवालों के जवाब आसानी से दे सकते हो। यहाँ पर भी पेपर में आपको दो ऑप्शन देंगे, सही या गलत। आपको वो सेंटेंस सही है तो सही पे क्लिक करना है, गलत है तो गलत पे क्लिक करना है। इसीलिए नीलू पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती थी, गलत। खेल खेल में वो लड़ भी पड़े, सही। गजब एकता थी उन सब में, सही। नीलू के बच्चों के नाम थे चुस्कु मुस्कु, गलत। चिंकी की आंखों में आंसू थे, सही।
उसके बाद का जवाब जो है प्रश्न, ये वाक्य किसने किससे कहे हैं, आपको उनके नाम लिखने हैं। अरे मैं फंस गई, मुनमुन ने बाकी पक्षियों से कहा। अरे मैं फंस गई, मुनमुन ने बाकी पक्षियों से कहा। आखिर चाहते हो कैसी एकता, मुनमुन ने टीनू से कहा। बहुत देर से आई हो नीलू आज, दादी ने नीलू से कहा। हम एक है पर क्या करे, हम एक है पर करे क्या, नीलू ने दादी से कहा। जैसे यहाँ पर पहला है अरे मैं फंस गई, मुनमुन ने बाकी पक्षियों से कहा। आखिर चाहते हो कैसी एकता, मुनमुन ने टीनू से कहा। बहुत देर से आई हो नीलू आज, दादी ने नीलू से कहा। हम एक है पर करे क्या, नीलू ने दादी से कहा। यहाँ पर भी इस प्रकार के जो प्रश्न आएंगे, किसने किससे कहा, इसमें भी आपको दो या तीन ऑप्शन होंगे जवाब के, उसमें से सही जवाब क्लिक करके आपको लिखना है। आगे का जो हमारा प्रश्न है वो है एक वाक्य में लिखिए उत्तर। तो एक वाक्य में उत्तर लिखते समय आपको किस तरह से उत्तर लिखने हैं, सबसे पहला जो है एक वाक्य में उत्तर वो हम देखेंगे एक मिनट। चिड़िया कहाँ रहती थी, चिड़िया घर के आंगन में बरगद के पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती थी। चिड़िया कहाँ रहती थी, चिड़िया घर के आंगन में बरगद के पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती थी। इस तरह से आपको जवाब देना है, चिड़िया कहाँ रहती थी, चिड़िया घर के आंगन में बरगद के पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती थी। बहेलिया कब ठगासा रह गया, बहेलिया कब ठगासा रह गया, जब सभी पक्षी एक साथ जाल लेकर उड़ गए तब बहेलिया ठगासा रह गया। जब सभी पक्षी जाल लेकर उड़ गए तब बहेलिया ठगासा रह गया। उसके बाद वाला तीसरा प्रश्न है, दादी माँ सुबह उठकर क्या करती, सुबह उठकर दादी माँ घर बुहारती सवारती, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती खाती, परिवारजनों से बतियाती। सुबह उठकर दादी माँ घर बुहारती सवारती, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती खाती, परिवारजनों से बतियाती। चौथा प्रश्न है, चुस्कू मुस्कू ने किससे जाल काटा, चुस्कू मुस्कू ने अपने पैने दांतों से जाल काटा। तो इस तरह से आपको जो प्रश्न के उत्तर यहाँ पर अपने यूनिट टेस्ट में अभी के, आपको दो ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से सही जवाब चुनकर आपको लिखना है, लिखना मतलब सिलेक्ट करना है। तो इस तरह से आपको, लेकिन सही जवाब पता तो ज़रूर होना चाहिए, इसलिए आपको ये अच्छे से लर्न करना है, याद करना है, और आपको जो दो ऑप्शन में है से सही जवाब चुनकर लिखना है। आप अच्छे से पाठ पढ़िए, उसके सवाल जवाब पढ़िए, उनको याद कीजिए, तो ही आप अच्छे से ये परीक्षा उत्तीर्ण हो पाओगे। ठीक है, यहाँ तक। आगे का जो सवाल है जो देखेंगे, यह मैंने दिए हुए निम्नलिखित वर्णों से सार्थक शब्द बनाकर लिखिए। अभी यहाँ पर आपको कोई शब्द उल्टा पुल्टा करके दिया हुआ है, उसका क्रम बदल के दिया है अक्षरों, आपको उसका अर्थपूर्ण शब्द बनाना है, सही शब्द बनाने का है। जैसे र प वारी, और हमने बनाया हुआ शब्द है परिवार। रपवारी, इस शब्द का क्रम बदल कर हमने उन शब्दों का योग्य क्रम लगाकर लिखा है परिवार। दूसरा है चाकन, क्रम बदल कर मैंने लिखा अचानक। हे याली बो पहेलिया, शब्दों का क्रम बनाकर उसको सार्थक शब्द में लिखना है।
रहो याशी होशियार, शखुलिहा खुशहाली, रमस जदा समझदार, मजोहली हमजोली, या सझाम समझाया, रकलव कलरव। इस तरह से शब्दों का क्रम बदल कर हमें उनका सार्थक शब्द तैयार करना है। यहाँ इतने शब्द दिए हैं और ज़रूरी नहीं यही शब्द आएंगे, इनमें से कोई भी अलग शब्द आ सकता है। आपको उनका क्रम बदल कर एक अर्थपूर्ण शब्द तैयार करना है, जैसे मैंने किया है परिवार, अचानक, बहेलिया, होशियार, खुशहाली, समझदार, हमजोली, समझाया, कलरव। इस तरह से आपको वर्णों के सार्थक शब्दों तैयार करना है। कोई भी वर्ण उल्टा पुल्टा करके दिया हुआ होगा, आपको उनका सार्थक शब्द बनाना है। उसके बाद का जो प्रश्न है आपके सामने वो है मुहावरों का अर्थ लिखकर आपको दिया था, वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपने उनके वाक्य बनाए हैं ना? हाँ, अच्छे से वाक्य बनाइए। यहाँ पर मैं आपको मुहावरों का अर्थ बताती हूँ। तुनक कर बोलना, चिढ़ कर बोलना, तुनक कर बोलना, चिढ़ कर बोलना। इसका वाक्य मैंने लिख के दिया है, आपको अपना वाक्य अलग से बनाना है। मैंने लिखा हुआ वाक्य है, राम हमेशा सीमा से तुनक कर बोलता है। राम हमेशा सीमा से तुनक कर बोलता है, चिढ़ कर बोलना। उसके बाद का दूसरा हमारा जो मुहावरा है वो है जी की कली खिलना खुश होना। जी की कली खिलना खुश होना। बगीचे में सुंदर फूल देखकर मेरे जी की कली खिल गई। बगीचे में सुंदर फूल देखकर जी की कली खिल गई। इस तरह से मुहावरों का अर्थ लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग करना, इस तरह का प्रश्न परीक्षा में आता है। यहाँ पर आपको मुहावरे दिए जाएंगे या उनके अर्थ दिए जाएंगे। सामने ऑप्शन में एक अर्थ सही होगा और बाकी के दो गलत होंगे। आपको सही अर्थ उसमें से चुनकर लिखना है। इस तरह के भी सवाल आ सकते हैं। आगे जाकर हमें देखना है कि इस पाठ पे हमने यही देखे हुए प्रश्न है। आपको अच्छे से पाठ पढ़ना है। दिया गया सारे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है, उनकी तैयारी करनी। उसके साथ रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको पाठ में से कोई भी वाक्य आ सकता है, ज़रूरी नहीं ये दिए हुए वाक्य है वैसे। आप अच्छे से पाठ पढ़िए, सार्थक शब्द जो दिए हुए उनकी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए, वो भी आपको अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं। आपने अगर किसने किससे कहा है पाठ अच्छे से पढ़ा है तो उनके जवाब भी आपको आसानी से आ सकते हैं। ये पाठ बहुत ही आसान है, अगर पढ़ोगे तो आपको सारे सवालों के जवाब अच्छे से आ सकते हैं। इसलिए पाठ का वाचन कीजिए, दिए गए प्रश्नों का वाचन कीजिए। जो ब्रीफ आंसर है वो अभी नहीं आएंगे, लेकिन उनको एक बार ज़रूर पढ़ लेना। इन सारे सवालों के और इससे अलग कुछ सवाल आए तो उनके उत्तर लिखने के लिए आपको आसानी ज़रूर होगी। इसलिए ब्रीफ आंसर भी एक बार ज़रूर उनको पढ़ लीजिए। तो आपको इस पाठ में आए गए जो संदेश है या पाठ में किस तरह से बताया गया वो भी आपको उसकी जानकारी मिलेगी। तो आज के लिए हम यहीं रुकेंगे। आगे हम आएंगे हमारे व्याकरण विभाग के साथ, उसमें सिखाए गए जो पाठ है उनका हम रिवीजन करेंगे। आज तक हमने पोएम का रिवीजन किया है, अभी पाठ का रिवीजन हो गया और उसके बाद हम व्याकरण विभाग का रिवीजन कर लेंगे और उसके साथ आने वाले एग्ज़ाम की हम तैयारी करके पूरी तरह से एग्ज़ाम देने के लिए तैयार होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेंगे, है ना? तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज जो दिया हुआ एक बार वापस सुनिए, पढ़िए, एक बार चाहिए तो लिख के भी देखिए। तो इस तरह से आज हम यहीं रुकेंगे, फिर मिलेंगे हमारे नए तासिका में। धन्यवाद।